Sangola. Mete o cu pra mim, Lapajão. Lapajão, Lapajão. Mete o cu pra mim, Lapajão. Lapajão, Lapajão. Para, volta a grita. Patrão. Tá preto, tá de novo. De novo. मैं विवेक सिंह छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU विगत 3 दिनों से आज आमरण अनशन पर सिंह द्वार लंका BHU के सिंह द्वार पर हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को सूचित कर दें कि विगत 4 महीनों से लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि सारे केंद्रीय विश्वविद्यालय में तिरंगा झंडा की स्थापना की गई है, परंतु दुर्भाग्यवश, दुर्भाग्यपूर्ण कहेंगे या फिर हास्यास्पद स्थिति इसको कहा जा सकता है कि माननीय कुलपति महोदय द्वारा इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया और लगातार हम लोग द्वारा अनशन धरना करने के बावजूद उन्होंने बस केवल और केवल संतावना देने का कार्य किया और इस चीज़ को टालने का कार्य किया। तो इस पर मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जब तक राष्ट्रीय ध्वज का स्थापना नहीं हो जाता है तब तक हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। चाहे तिरंगा झंडा के लिए प्राण क्यों न देना पड़े, हम लोग प्रदर्शन करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ कि तिरंगा झंडा के लिए हम लोग अनशन कर रहे हैं, आए दिन धरना प्रदर्शन हो रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी के सांसदीय क्षेत्र में है नरेंद्र मोदी जी के, और हम लोग चाह रहे हैं कि नई देश के यशस्वी प्रधानमंत्री यहाँ से पुनः उन्हीं का चयन हो, लेकिन ये माहौल को ख़राब किया जा रहा है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अपना काशी हिंदू विश्वविद्यालय राष्ट्रवादी विचारधारा का है, तो राष्ट्रवाद के प्रति हमेशा से प्रेम रहा है, तो इस चीज़ को लेकर के हम लोग अनशन करना पड़ रहा है। तो बहुत ही हास्यास्पद स्थिति इसको बोल सकते हैं, लेकिन इनके कान में जू तक नहीं रेंग रहा है, इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मेरा इस पे कहना है कि बस्ती में तुम खूब सियासत करते हो, बस्ती की आवाज़ उठाओ तो जाने। और महामना की बगिया का शासन उन्होंने लगभग 2.5 साल से चलाया, परंतु इसमें तिरंगा झंडा की स्थापना नहीं हुई है, इस पर इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। और इस विषय बिंदु पर जब हम सभी छात्रों ने इस पर प्रकाश डाला तभी ये लगातार इसको टालने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कसम मालवीय जी का खाता हूँ, तिरंगा महामना के परिसर में ही लहराऊँगा। और हम लोग का नारा भी है कि BHU में तिरंगा लहराना है, यही हमारा नारा है। इस नारा के तहत हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं ताकि प्रशासन इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए तिरंगा झंडा की स्थापना करे। अभी कुछ दिन पहले आप मालवीय भवन के सामने तो उसमें आपको आश्वासन दिया जी, उसमें ऑन रिकॉर्ड आश्वासन दिया गया कि 15 दिन के अंदर सबमिशन हो जाएगा, जो फाइनल रिपोर्ट होगी। एक कमेटी इन्होंने बैठाई है, जो कमेटी को निर्णय करना है कि तिरंगा झंडा लगेगा कि नहीं लगेगा। अब बताइए, इस चीज़ के लिए कमेटी बैठाना पड़ रहा है, अपने देश में देश का झंडा लगाने के लिए इनको कमेटी का गठन करना पड़ रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है। तो 15 दिन का आश्वासन पूरा नहीं हुआ तब हम लोग मजबूरन आमरण अनशन पर सिंह द्वार पर बैठ गए हैं, और जो कि हम लोग चाहते हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रहे, अनशन धरना प्रदर्शन न करना पड़े, आचार संहिता का माहौल है, लेकिन विवश करते हैं कुलपति महोदय, बिल्कुल उनके अंदर देशभक्ति की कोई भावना नहीं हम लोगों को दिखाई दे रही है।